नमस्ते, सलील की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी को नाग पंचमी और सावन के सातवें सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूत फेनी, क्योंकि सूत फेनी नाग पंचमी की एक स्वीट डिश है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत फेनी बनाने के लिए मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। इसको मैं पहले पकाऊंगी। दूध पक चुका है। यह है गुलाब जामुन बनाने वाला पाउडर, मिल्क मेट पाउडर। तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी दूध को गाढ़ा करने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर के पाउडर को घोलेंगे। इसलिए बाउल में पहले हम पाउडर को घोल लेते हैं, जिससे कि पाउडर की गुलथी ना पड़े। ये घुल चुका है। इससे दूध गाढ़ा हो जाएगा, पाउडर के डालने से दूध गाढ़ा हो जाता है। 1 ग्राम सूत फेनी को हम दूध में ऐड करने जा रहे हैं। हम 5 मिनट तक बस सूत फेनी को दूध में पकाएंगे। इसकी फ्लेम मीडियम रखेंगे। ये देखिए बनने वाली है, इसका कलर बदल चुका है, लाइट क्रीम टाइप का हो गया है। अब हम सूत फेनी में 1 बॉल शक्कर डालेंगे। शक्कर हम गैस बंद करने के बाद डालेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारी सूत फेनी फटने का डर रहता है। बादाम को हमने पानी में भिगो लिया है, जिससे कि वो जल्दी कट जाए। अब हम 1 चुटकी केसर मिला रहे हैं। सजावट के लिए हम सूत फेनी में काजू, किशमिश और बादाम डाल रहे हैं। फेनी बनके तैयार है। सूत फेनी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।